हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि WWE का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है रेसलमेनिया, जो कि साल का सबसे बड़ा पेपर व्यू होता है, एंड उसके नाइट वन पर हमें देखने को मिलने वाला है रोमन रेंस एंड दी रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स का एक टैग टीम मैच, और नाइट टू पर हमें देखने को मिलने वाला है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच। एंड अगर नाइट वन में जीत हो जाती है सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स की, देन हमें कोई भी ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर वहां पर जीत होती है रोमन रेंस एंड दी रॉक की, देन ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस बिल्कुल लीगल रहेगी। तो गाइस, इस मैच में क्या कुछ होने वाला है, किन की जीत होने वाली है, इन दोनों मेन इवेंट मैच को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है, एंड आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं फटाफट से आप सबको उन तीन मैचेस के बारे में बता देता हूँ जो की एड हो चुके हैं रेसलमेनिया 40 के लिए। तो आप सभी को पता ही है रेसलमेनिया 40 के लिए ऑलरेडी बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं एड, एंड इस वीक के स्मैकडाउन में हमें और भी तीन मैचेस होते हुए दिखे ऑफिशियल, जिसमें से अपना सबसे पहला मैच है जे वर्सेस जिमी उसो का मैच। जैसा कि रॉ में जे उसो ने चैलेंज किया था जिमी उसो को, एंड इस वीक के स्मैकडाउन में जिमी उसो ने कर लिया उस चैलेंज को एक्सेप्ट, और इनका मैच हो गया ऑफिशियल। यानी कि आप सब कह सकते हो ये काफी ज्यादा कमाल का मैच होने वाला है, ये पर्सनल मैच होने वाला है, ब्रदर वर्सेस ब्रदर होने वाला है, ब्लड वर्सेस ब्लड होने वाला है, यीट वर्सेस नो यीट होने वाला है। वैसे आप किसके साइड पर हो इस मैच में, यीट या फिर नो यीट के साइड में, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हो चुका है ऑफिशियल, वो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच। सो जैसा कि इसके चांसेस लगी रहते कि हमें ट्रिपल थ्रेट मैच ही होते हुए दिखेगा ऑफिशियल, एंड वो चीज इस वीक के स्मैकडाउन में निक एल्डिस हमें करते हुए दिखते हैं ऑफिशियल। एंड अभी तो रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस सेम पेज पर कर रहे काम, देखते आखिर कब तक। रैंडी ऑर्टन के आरकेओ से बचे रहते केविन ओवेंस, जो कि उन पर आज गलती से पड़ने वाला भी था। बट हां भाई, स्मैकडाउन में जो स्टनर के बाद आरकेओ पड़ा थ्योरी पर, वो काफी ज्यादा कमाल का था। एंड यस, इस ट्रिपल थ्रेट मैच में किसकी जीत होने वाली है रेसलमेनिया में, वो भी जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद जो अपना थर्ड मैच हो चुका है ऑफिशियल, वो है LA नाइट वर्सेस AJ स्टाइल्स का मैच। अब अगर WWE चाहती तो इन्हें भी US चैंपियनशिप के पिक्चर में कर सकती थी एड, बट WWE ने इनकी अलग फ्यूडी करवा दी। अब फैंस इस मैच के लिए उतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, बट हां अभी भी रेसलमेनिया के लिए टाइम है, तो WWE चाहे तो इस मैच के लिए भी अच्छी खासी कर सकती है हाइप क्रिएट, बिकॉज दोनों सुपरस्टार्स के पास स्किल तो भाई काफी ज्यादा कमाल के है। और अब फाइनली बात कर ली जाए अपने रेसलमेनिया मेन इवेंट्स के बारे में, यानी कि रेसलमेनिया नाइट वन में होने वाले रोमन रेंस एंड दी रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस के टैग टीम मैच के बारे में, और नाइट टू के मेन इवेंट में होने वाले रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच के बारे में। तो आप सब जानती हो यही स्टोरी लाइन पूरे रेसलमेनिया को एक तरह से कर रही है कैरी। एंड इस वीक के स्मैकडाउन में तो हम सबने देखा है कि हमें रॉक का कॉन्सर्ट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, कोडी क्राई बेबी सभी को कर दिया रोस्ट, एंड वो काफी ज्यादा हमें पर्सनल भी जाते हुए दिखे। एंड वो एक बेल्ट लाए थे कोडी रोड्स के लिए, जो कि वो देंगे उनकी मदर को रेसलमेनिया नाइट टू में, जब रोमन रेंस कोडी रोड्स को हरा देंगे एंड उस पर कोडी रोड्स का लगा होगा ब्लड। तो ये कोडी रोड्स एंड ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन पहले से काफी ज्यादा पर्सनल थी, एंड अब रॉक ने कोडी रोड्स के मदर को मेंशन कर इस थिंग को और ज्यादा पर्सनल बना दिया है। एंड सभी यही जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है अपने रेसलमेनिया नाइट वन एंड रेसलमेनिया नाइट टू के मेन इवेंट पर। एंड स्पेकुलेशन तो कई सारी लगाई जा रही है कि सेथ रॉयंस हमें बिट्रे करते हुए दिख सकते हैं कोडी रोड्स को, रॉक हमें बिट्रे करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस को, या फिर रॉक अपने अथॉरिटी पावर का यूज कर हेल्प करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस को। तो गाइस, आप सबको बता दो इस मैच का फाइनली बैटिंग हो चुका है रिलीज, तो मैंने रोमन वर्सेस कोडी के मैच के बैटिंग ऑड्स तो आप सबको बताई थी, बट अब अपडेटेड बैटिंग ऑड्स सामने निकल कर आ चुका है, और नाइट वन का भी बैटिंग ऑड्स हो चुका है रिलीज। सो सबसे पहले हम नाइट वन में होने वाले टैग टीम मैच के ऑड्स के बारे में कर लेते हैं बात। तो गाइस, बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग इस मैच में हमें जीत होते हुए दिखने वाली है रॉक एंड रोमन रेंस की, यानी कि यहां पर कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस की होने वाली है हार, और ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस बिल्कुल लीगल रहेगी नाइट टू में होने वाले रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच में। बट हां, बात कर ली जाए अब नाइट टू के ऑड्स के बारे में, देन कुछ दिन पहले जो बैटिंग ऑड्स रिलीज हुए थे वहां पर कोडी रोड्स फेवरेट थे उस मैच को जीतने के, एंड गाइस स्टिल कोडी रोड्स ही फेवरेट है कि वो हराने वाले हैं रोमन रेंस को एंड बनने वाले हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। यानी कि अगर इस हिसाब से देखा जाए देन भले ही ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस लीगल होगी, लेकिन कोडी रोड्स कुछ ना कुछ अपना वे चुनने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने का। एंड देखा जाए तो ऐसा होने का एक ही रास्ता लग रहा है, वो है रॉक हमें बिट्रे करते हुए दिखेंगे रोमन रेंस को।
बट हाँ गाइज, अभी भी रेसलमेनिया को होने में टाइम है, हो सकता है हमें फाइनल ऑड्स रिलीज होते होते तक उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, अभी ऑड्स को देखकर तो यही लग रहा है कि नाइट वन पर रोमन रेंस एंड दी रॉक की जीत होने वाली है और नाइट टू पर होने वाली है कोडी रोड्स की जीत, यानी कि वो बनने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बता रहे कि आपको क्या लगता है नाइट वन एंड नाइट टू में होने वाले मेन इवेंट मैचेस में हमें किसकी जीत होते हुए दिखने वाली है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।